कंप्लीटेड द सेकेंड फेज ऑफ द सेलिंग प्रोसेस विच वॉज द इंटरक्शन फेज हमने यह कहा था कि इस इंटरेक्शन फेज के पांच सब स्टेप हैं स्टेप नंबर वन है रिलेटिंग और अप्रोचिंग द कस्टमर स्टेप नंबर टू है नीड डिस्कवरी स्टेप नंबर थ्री में हम सेल्स प्रेजेंटेशन करते हैं या प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करते हैं स्टेज नंबर फोर में हम कस्टमर्स के कंसर्न्स को रिजॉल्व करते हैं कस्टमर को सेटिसफाई करते हैं यानी सेटिसफाइंग द कस्टमर एंड हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस ऑफ द कस्टमर और आखिर में हम क्लोजिंग करते हैं तो ये वो पांच स्टेप्स हैं जो हमने डिस्क्राइब किए थे लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंटेशन के फेज को बहुत डिटेल में देखा था और उसके बाद हमने ऑब्जेक्शन किस तरह से हैंडल किए डिफरेंट तरह की उनको हमने देखा और फिर हमने आखिर में क्लोजिंग के مختلف तरीकों को डिटेल से देखा था तो इनको रिव्यू कर लेते हैं मिसाल के तौर पर के केस में हमने ये कहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने एक लिंक बनाना होता है प्रोडक्ट फीचर और उसका बेनिफिट जो कस्टमर को हो रहा है और उसके बाद हमने एविडेंस प्रोवाइड करना होता है कि किस तरह से कस्टमर हमारी इस बात पे बिलीव करे कि ये फीचर्स हमें ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें हमने कहा था कि अगर कोई रिसर्च स्टडीज़ हो तो उसका हम रेफरेंस दे सकते हैं अगर हमारे एग्जस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके कॉमेंट्स हैं और जो जो हमारे क्लाइंटेस हैं जो हमारी डिटेल है क्लाइंट्स की उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी ये हमारे सेटिसफाइड कस्टमर्स हैं और इतनी इसकी पास्ट में सेल्स प्रोडक्ट की हो चुकी हैं और कोई कंप्लेंट्स नहीं है हमने कहा था कि सेल्स प्रेजेंटेशंस दो तरह की होती हैं ओरल प्रजेंटेशंस होती हैं और रिटर्न प्रपोजल्स या रिटर्न ऑफर्स जो हम अपने कस्टमर्स को देते हैं वो होती हैं ओरल प्रेजेंटेशन में हमने तीन तरह की प्रेजेंटेशन की बात की थी कैंड प्रेजेंटेशन उसके बाद हमने बात की थी ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन और फिर टेलर मेड प्रजेंटेश हमने ये कहा था कि ये तीनों तरह की प्रेजेंटेशन फ्लैक्सिबिलिटी के अतबार से वेरी करती हैं जबकि कैंड प्रेजेंटेशन बिल्कुल फ्लैक्सीबल नहीं होती ऑर्गेनाइज प्रजेंटेश एक जनरल गाइडलाइन होती है और हमें लिबर्टी होती है कि हम वर्डिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और टेलर प्रजेंटेश जो वो बिल्कुल सूट कर रही होती हैं कस्टमर्स की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को और यहाँ पर हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि जो हमारी सेल्स टीम है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो और तभी वो इस किस्म की टेलर मेड प्रजेंटेशन कर सकते हैं हमने बात की थी कि यहाँ पर प्रोडक्ट को ट्राई करवाने की टेस्ट करवाने की करने की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के बाद हमने बात ये की थी कि कस्टमर को सेटिसफाई करना होता है कस्टमर के कुछ कंसर्नस होते हैं कस्टमर की ऑब्जेक्शन होती हैं कस्टमर के सवाल होते हैं क्वेरीज होती हैं तो उनको हमें रिस्पॉन्ड करना होता है उनको हमें सेटिस्फाई करना होता है और हमने ये कहा था कि ये एक अच्छी चीज़ है अगर कस्टमर हमसे क्वेश्चन पूछता है कस्टमर के कंसर्नस दो तरह के हो सकते हैं पॉजिटिव हो सकते हैं और नगेटिव हो सकते हैं हमने ये बात की थी कि पॉजिटिव कंसर्नस को हम पिकअप करेंगे और उसको हम एलेबरेट करेंगे री करेंगे और जो नेगेटिव रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम इग्नोर करेंगे लेकिन याद रखेंगे और फ्यूचर में अगर उनको दोबारा सेल्स कॉल में कस्टमर रेज करेगा तो फिर हम उसका रिप्लाई करेंगे और वहाँ पर हमने ये भी कहा था कि हमें कस्टमर से डिफरेंट तरह की क्वेश्चन पूछने होते हैं कस्टमर का रिस्पॉन्स लेना होता है और ऑफ़न टाइम्स हमें एक्टिव लिसनिंग की जरूरत पड़ती है क्वेश्चनिंग एंड एक्टिव लिसनिंग ये दो चीजें हमें यहां पर करनी पड़ती हैं हमने एक टेक्निक भी डिस्क्राइब की थी कि हमें सबसे पहले कस्टमर के कंसर्न्स को सुनना है वी हैव टू लिसन टू द कस्टमर उसके बाद वी हैव टू शेयर द इशूज एंड द प्रॉब्लम और फिर हमने ये कहा था कि हमें क्लैरिफाई करना है कि रियल इशू क्या है क्लैरिफाई करने के बाद हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसे सॉल्व करना है तो वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड देन वी हैव टू आस्क फॉर एन एक्शन इस टेक्निक को हम कहते हैं एल एस सी पी एंड ए इस टेक्निक को यूज करते हुए हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं उसके बाद हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया था कि जरूरत पड़ती है सेल्स को क्लोज करने की और इसे हम क्लोजिंग कहते हैं लेकिन क्लोजिंग हम एक सही वक्त पर करना चाहते हैं यह भी नहीं कि हम अभी कस्टमर रेडी नहीं है और अपनी सेल्स को क्लोज कर दें और हम उसको बहुत डिले भी नहीं करना चाहते कि हमें प्रॉपर रिस्पांस ना मिले इसलिए हम ट्रायल क्लोज करते हैं और बाइंग सिग्नल्स को देखते हैं مختلف किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ट्रायल क्लोज से हमें यह अंदाज़ा हो जाता है कि अभी कस्टमर रेडी है ऑर्डर प्लेस करने के लिए या नहीं और फिर हमने क्लोजिंग टेक्निक्स को डिस्क्राइब किया था कि एक समरी क्लोज होता है कि जिसमें हम सारे बेनिफिट्स को डिस्क्राइब करते हैं और कस्टमर की नीड के साथ उसको रिलेट करके कस्टमर से हम ऑर्डर के लिए या सेल्स uh, को क्लोज करने के लिए कहते हैं दूसरा तरीका ये होता है कि हम अल्टरनेट चॉइस ऑफर करते हैं कलर्स की या स्पेसिफिकेशन की या मॉडल्स की या प्राइस की ऑल्टरनेट चॉइसज ऑफर करके हम सेल्स uh, को क्लोज करने की कोशिश करते हैं फिर हमने कुछ और तरीके डिस्कस किए थे जिसमें डायरेक्ट क्लोजिंग आ जाती है जिसमें इंसेंटिव क्लोजिंग आ जाती है जिसमें अल्टरनेट चॉइस क्लोजिंग आ जाती है तो ये क्लोजिंग की टेक्निक समरी क्लोज आ जाता है ये हमने मुख्तु टेक्निक्स डिस्क्राइब की थी तो यहां पर हमने इंटरेक्शन फेज को कंप्लीट किया था अब इस इंटरक्शन फेज के बाद हमने डिस्क्राइब करना है पोस्ट इंटर एक्शन फेज अब याद रहे कि ये इंटरेक्शन फेज जब हम कस्टमर्स के साथ सेल्स कॉल कर रहे होते हैं तो हमारे पास मुख्त तरह के कस्टमर्स होते हैं और जैसे हमने पहले डिस्क्राइब किया था कि जो सेल्स है वो तीन तरह की होती है हमारे पास ट्रांजैक्शनल सेलिंग है हमारे पास कंसल्टेटिव सेलिंग है और हमारे पास एंटरप्राइज सेलिंग है जिसके डिफरेंसेस आप लोग ऑलरेडी जानते हैं तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं सेल्स कॉल में वो वेरी कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस्म की सेलिंग टेक्निक हम यूज कर रहे हैं अगर हम ट्रांजैक्शनल सेलिंग को कंपेयर करें तो कंसल्टेटिव सेलिंग और एंटरप्राइज सेलिंग के साथ इसे कंपेयर किया जा सकता है इन दोनों केसेस में हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट होते हैं हमारी जो प्रैक्टिस हैं सेल्स कॉल के दरमियान वो डिफरेंट होती हैं ये डिफरेंसेज कम से कम सात तरह के हो सकते हैं तो आइए देखते हैं इनको कंपेयर करते हैं कि ये डिफरेंसेस क्या हैं। क्योंकि इस सेल्स कॉल में हमें हमारे ऑब्जेक्टिव के मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी तो आइए देखते हैं कि हमारा फोकस क्या होता है हमारी प्रैक्टिस क्या होती हैं तो सबसे पहले ट्रांजेक्शनल सेलिंग में हमारा फोकस होता है सेल्स को क्लोज करने में लेकिन कंसल्टेटिव और एंटरप्राइज सेलिंग में हमारा फोकस कस्टमर की बॉटम लाइन होती है कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी होती है नंबर टू ट्रांजैक्शनल सेलिंग में लिमिटेड कॉल प्लानिंग की जाती है जबकि कंसल्टेटिव और एंटरप्राइज रिलेशनशिप्स में या सेलिंग में कॉल प्लानिंग एक टॉप प्रायोरिटी होती है नंबर थ्री ट्रांजेक्शनल सेलिंग में या रिलेशनशिप्स में जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो प्रोडक्ट्स के बारे में हम स्पेंड करते हैं कस्टमर्स को हम प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं लेकिन कंसल्टेटिव और एंटरप्राइज रिलेशनशिप्स में हमारा जो टाइम है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट सेटअप करने पर होता है नंबर फोर हम ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स में प्रोडक्ट स्पेसिफिक नीड्स की असेसमेंट करते हैं जबकि कंसल्टेटिव और एंटरप्राइज रिलेशनशिप में जो नीट डिस्कवरी होती है वो अकाउंट्स के ऑपरेशन के फुल स्कोप को डिस्क्राइब करती है ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप में इंडिविजलिस्टिक अप्रोच इस्तेमाल होती है जबकि कंसल्टेटिव रिलेशनशिप्स में टीम अप्रोच इस्तेमाल होती है ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप्स में प्रोपोजल्स और प्रेजेंटेश प्राइस और प्रोडक्ट फीचर्स पर बेस करती हैं जबकि कंसल्टेटिव और एंटरप्राइज रिलेशनशिप्स में प्रोपोजल्स और प्रेजेंटेश जो अनालिस है वो होता है प्रॉफिट इम्पैक्ट और स्ट्रैटेजिक बेनिफिट पे और ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप में जो सेल्स फॉलोअप है वो शॉर्ट टर्म होता है और प्रोडक्ट डिलीवरी के ऊपर फोकस कर रहा होता है जबकि कंसल्टेटिव और एंटरप्राइज रिलेशनशिप में जो सेल्स का फॉलोअप है दैट इज लॉन्ग टर्म एंड इट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एनहेंसमेंट तो ये सात प्रैक्टिस हैं जो हम इस सेल्स कॉल के दरमियान ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप और कंसल्टेटिव रिलेशनशिप में करते हैं तो यहां से बहुत क्लियर हो जाता है कि जिस तरह का कस्टमर हो उसके लिए उसी तरह की सेलिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन सेल्स कॉल में भी उसी तरह से की जाती है तो आइए अब हम जो सेलिंग प्रोसेस की फाइनल स्टेज है पोस्ट इंटरेक्शन स्टेज उसको डिस्कस करते हैं पोस्ट इंटरेक्शन स्टेज में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा फॉलोअप और सर्विसिंग होता है आइए पहले हम ये समझते हैं कि फॉलो अप और सर्विसिंग से क्या मुराद है तो यहां पर दो तरह की सिचुएशन होती हैं। जब हम क्लोजिंग करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि पहली कॉल में हमें ऑर्डर मिल जाए या हम डील को क्लोज कर दें या सेल्स कर पाए तो पहली तरह का जो अप होता है वो इससे रिलेटेड होता है कि हमने दोबारा सेल्स कॉल कब करनी है कस्टमर को पूछना है कस्टमर से यह दरियाफ करना है कि वो कब तक प्रोडक्ट को परचेज करने का इरादा रखता है हमें उसकी परचेज इंटेंशन को आइडेंटिफाई करना होता है और हमें कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होता है इस बुनियाद पर कि उसकी परचेज इंटेंशन फ्यूचर में कितने टाइम में है क्या यह कस्टमर आज ही प्रोडक्ट लेना चाहता है दो दिन में लेना चाहता है हफ्ते में लेना चाहता है महीने में लेना चाहता है या अभी इसको छह महीने लगेंगे प्रोडक्ट खरीदने में या इससे ज्यादा टाइम दरकार होगा क्योंकि बिजनेस टू तो बिजनेस मार्केटिंग में सेल्स साइकल्स लंबे हो सकते हैं चंद माह से लेके एक साल दो साल तक भी सेल साइकल्स हो सकते हैं डिपेंड करता है कि किस किस्म की बाइंग हो रही है अगर तो एंटरप्राइज बाइंग हो रही है स्ट्रेटेजिक बाइंग हो रही है तो इट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम और जैसे हमने पहले भी कहा था कि सेल्स मॉडल्स तीन तरह के होते हैं जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे स्टिमुलस रिस्पॉन्स नीड सेटिस्फेक्शन एंड प्रॉब्लम सोल्यूशन मॉडल है तो प्रॉब्लम सोल्यूशन मॉडल्स में तो अमूमन ऐसे होता है कि सेलिंग साइकिल्स बहुत लंबे होते हैं जो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका कंप्लीट नीड असेसमेंट किया जाता है एक फॉर्मल स्टडी की जाती है और उसके बाद उनकी Uh, उनको एक सलूशन प्रपोज किया जाता है और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन इट्स इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस ख़ास तौर पर अगर ईआरपी आर हों या uh, आपको स्पेसिफिक किस्म की एक्सपेंशन uh, करनी हो प्रोडक्शन uh, लाइन में या इस तरह के और प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और इस तरह के हो सकते हैं जिसमें नीड असमेंट के बाद आपको uh, अच्छा खासा काम करना पड़ता है और अच्छा खासा टाइम दरकार होता है ऑर्गेनाइजेशन की नीड को डिटर्मिन करने के बाद उसे प्रॉपर सोल्यूशन देने के लिए सो so, हमें यह असर्टन करना होता है कि परचेज इंटेंशन क्या है कितना टाइम रिक्वायर्ड है कितनी देर में यह हमारा सेल्स प्रोसेस कंप्लीट होगा कब तक बायर हमसे प्रोडक्ट परचेज करेगा अप so, में इसलिए जरूरी होता है कि कस्टमर के साथ स्पेसिफिक टाइमलाइन्स लाइन एग्री हो जाएं और फिर हम उस हिसाब से कस्टमर को रिमाइंडर्स दिलाएं और कस्टमर से हम एक कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करके रखें एक तो तरीका एक तो चीज ये है फॉलो से मुराद ये है कि जब तक सेल्स क्लोज ना हो जाए हमें कस्टमर को फॉलोअप करना है और ये जो फॉलोअप का कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है सेल्स uh, या सेलिंग प्रोसेस में इसलिए कि जो सेल्स पर्सन पे वीक होते हैं उनकी सेल्स परफॉर्मेंस अमूमन कम होती है अच्छी नहीं होती और जो सेल्स पर्सन या सेल्स मैन इफेक्टिव होते हैं फॉलो अप में उनका बहुत क्लोज फॉलो लाइज ऑन होता है कस्टमर्स के साथ दे आर ऑलवेज एबल टू क्लोज मोर सेल्स एंड मेक मोर सेल्स एंड हैंड्स अर्न मोर मनी इसलिए फॉलो अप की बहुत ज्यादा अहमियत है इस कस्टमर की परचेज इंटेंशन की बेसिस पे हम कस्टमर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर्स हॉट हैं वार्म हैं या कोल्ड हैं हॉट कस्टमर का मतलब है कि ये इमिजिएटली प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है इन नेक्स्ट टू और थ्री डेज में भी जो वन कस्टमर है इसको मे बी फिफ्टीन डेज टू वन मंथ टाइम इसमें वो बाय कर लेगा और कोल्ड कस्टमर्स वो हैं जिनको मे बी वन मंथ या वन एंड हाफ मंथ से ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है तो हमें कंटिन्यूसली इन इंक्वायरीज का स्टेटस मॉनिटर करना होता है इंक्वायरीज प्लस जो आपने सेल्स कॉल की है जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है अपने कस्टमर पे उसको प्रोडक्ट प्रेजेंट किया है एक्सप्लेन किया है उसके सारे कंसर्न्स को आपने रिप्लाई किया है उसकी नीड को अच्छी तरह से समझा है तो अब जरूरत इस बात की है कि वो आपके रिडार पे रहे आप उसको मिस ना करें आपने उसको कहीं रिकॉर्ड जरूर किया हो कि इस कस्टमर को मैंने फॉलो अप करना है उससे मैंने पूछना है कि आप मजीद उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए जो भी उससे अब फॉलो अप में कॉन्टेक्ट होगा उसकी एक कॉन्टेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी कि अब हमारी क्या डिस्कशन हुई है अब कस्टमर की क्या नीड थी और हमने उसको वो नीड उसकी फुलफिल की है नेक्स्ट टाइम उससे कब मिलना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है जिसको हमें फुलफिल करना है तो ये फॉलो अप का बुनियादी ऑब्जेक्टिव है और दूसरी तरह का फॉलोअप तब होता है जब सेल्स हो जाती है यानी चाहे वो पहली सेल्स कॉल में सेल्स हो जाए या वो दूसरी सेल्स कॉल में हो जाए या तीसरी में हो जाए या जितनी भी में भी लेकिन जब सेल हो गई प्रोडक्ट कस्टमर को आपने सेल कर दी अब उसके बाद का फॉलोअप है अब इसके अंदर भी कुछ स्टेजेस हैं इसको हम डिटेल से आगे चलकर देखेंगे लेकिन हम अभी ये रिज्यूम करते हैं कि प्रोडक्ट कस्टमर ने खरीद ली प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो गई अब जब ये प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो जाती है तो इसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं मिसाल के तौर पर कस्टमर प्रोडक्ट को अपनी डेस्टिनेशन पर या ख़ुद लेके जाएगा या मे बी हम उसकी डेस्टिनेशन पर प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे उसके बाद वो प्रोडक्ट को मे बी वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने के बाद फिर प्रोडक्ट का एक्चुअल यूजेज शुरू होगा जब प्रोडक्ट यूज़ हो रही होगी तो उस यूज़ेज में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए कोई ब्रेकेज हो जाए या कोई मेल हो जाए किसी किस्म का तो कहने का मकसद ये है कि सेल होने के बाद भी बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें कस्टमर को सेलर से कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है तो यहां पर जो फॉलोअप और सर्विसिंग रिक्वायर्ड है ये भी आफ्टर सेल्स में आती है तो आफ्टर सेल्स में जो भी कुछ हम करते हैं वो पोस्ट इंटरेक्शन फेज कहलाता है और इसको हम सेल्स सपोर्ट कहते हैं तो आइए अब इस सेल सपोर्ट को देखते हैं हम ये कहते हैं कि सेल सपोर्ट के चार पिलर्स हैं फोर पिलर्स ऑफ सेल सपोर्ट नंबर वन टू सपोर्ट द बाइंग डिसीजन नंबर टू मैनेज द इंप्लीमेंटेशन नंबर थ्री डील विद डिससेटिस्फेक्शन एंड नंबर फोर एनहेंस द रिलेशनशिप तो ये चार पिलर्स हैं सेल्स सपोर्ट के आईएन को वन बाय वन देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट बाइंग डिसीजन बाइंग डिसीजन में किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है हम इज्यूम करते हैं कि सेल्स हो गई इंटरेक्शन फेज के एंड के ऊपर सेल्स हो गई चाहे वो फर्स्ट टाइम थी या सेकंड टाइम टाइम थी या थर्ड टाइम थी बार कैफ सेल्स हो गई अब बाइंग प्रोसेस में एक जब परचेज हो जाती है तो उसके बाद एक पोस्ट परचेज बिहेवियर होता इस पोस्ट परचेज बिहेवियर में जनरली एक बाइंग एंजाइटी होती है जिसको हम पोस्ट परचेज डेजोनेंस भी कहते हैं इसका मतलब यह है कि बाय करने के बाद कस्टमर को थोड़ी सी ये फीलिंग आती है कि क्या मैंने ये सही फैसला किया है कहीं मैंने गलत परचेज तो नहीं कर ली बहुत सारे मशवरे भी मिलते हैं जब आप कोई चीज बाय करते हैं तो इट्स नेचुरल कि आप उसको शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ या बिजनेस एसोसिएट्स के साथ आप एक जिक्र जरूर करते हैं तो उस जिक्र के नतीजे में आपको मुखलिफ किस्म की ओपिनियंस मिलती हैं पॉजिटिव भी मिलती हैं नेगेटिव भी मिलती हैं लेकिन बार कैफ आपके जहन में कुछ खदशात कुछ एनजाइटी कुछ टेंशन जरूर आती है इसे हम पोस्ट डेजोनेंस कहते हैं या पोस्ट परचेज एनजाइटी कहते हैं तो यहां पर जो पहला काम फॉलो अप के जरिए किया जाता है उसे हम कहते हैं रिड्यूस बायर एनजाइटी हमें बायर की एनजाइटी को रिड्यूस करना है। हो सकता है बायर की एनजाइटी ना हो लेकिन हम ये रिज्यूम करते हैं कि देर विल बी सम डिग्री ऑफ बायर एनजाइटी तो इसको रिड्यूस करने के मुख्तलि तरीके होते हैं एक तो ये कि फॉलो अप कॉल की जा सकती है इट कैन बी ए टेलीफोन कॉल और इट कैन बी ए पर्सनल कॉल एंड यू कैन थैंक द कस्टमर फॉर द परचेज एंड री एनफोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ एन एक्सीलेंट आफ्टर सेल्स सपोर्ट नेटवर्क एंड सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग आप अपनी कंपनी की आफ्टर सेल्स सेटअप की यकीन दहानी करा सकते हैं वारंटीज और गारंटीज के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन ये करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक थैंक यू लेटर भी लिखती हैं और उस थैंक यू लेटर में कस्टमर को ये अश्योरेंस दी जाती है कि आपने सही फ़ैसला किया है और हम हर वक़्त आपकी सर्विस के लिए आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए अवेलेबल हैं इमेजन करें कि आपको मुख्तु किस्म की आराम मिल रही हों लोग आपकी परचेज डिसीजन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हों और आपको जिस कंपनी से आपने प्रोडक्ट परचेज की है उसके एमडी की तरफ से एक लेटर ऑफ थैंक्स आता है और वो पर्सनली आपको ये कहता है कि हम आपकी खिदमत के लिए हम आपके प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए हर वक्त मौजूद हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है या नहीं यार कोई कुछ भी कहे बट कंपनी इज टेकिंग केयर ऑफ मी ये पहला टास्क है जो आप बाइंग डिसीजन को जब आप सपोर्ट कर रहे हैं सपोर्ट से मुरादी है कि मैंने एक प्रोडक्ट बाय की और मैंने बाय की और मैं ये चाहता हूं कि मैंने सही डिसीजन किया या नहीं किया तो हमारा ये काम है कि हम सपोर्ट करें बायर को कि आपने सही डिसीजन किया उसके बाद हम यहां पर कस्टमर से उसका फीडबैक भी मांगते हैं कि आप हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह करें कि आपका ये प्रोडक्ट कैसा रहा आपका इससे इस्तेमाल कैसा रहा आपकी सेटिसफेक्शन कैसी रही इसके भी مختلف तरीके हैं हम पीरियोडिकली कस्टमर को फीडबैक uh, उसे मांगते हैं और पीरियडिकली हम कस्टमर से ये सर्वे करते हैं कस्टमर का और हम कस्टमर से पूछते हैं कि आपकी यूजेज कैसी रही आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा रहा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और मुख्तलि पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को हम कस्टमर के साथ उसका फीडबैक लेते हैं कस्टमर का उन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पे